यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज जो है कि हमारी बेटी अदीबा जो है वापस अपने माँ बाप के पास आ गई है और इसने भरी अदालत के अंदर जज के सामने सेशन कोर्ट के अंदर हब के अंदर बकायदा बयान दिया कि मैं अपने वालदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो आज जज ने मतलब के हमारा अदलिया के ऊपर एतमाद बहाल हुआ क्योंकि हम बड़े नाउमीद थे क्योंकि जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने ये काम कर रहा था लेकिन सेशन जज ने जो आज फैसला दिया है और बच्ची के साथ उन्होंने मतलब के बिल्कुल जो है अकेले बाल पूछा है इससे और मैं समझता हूँ कि बच्ची ने बड़ी दलेरी के साथ कहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाने को उन माँ बाप के साथ उन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया और इसको रवाना कर दिया। अब चूंकि मतलब आ रहा है खुला का तो हम बहुत जल्द अब जो है इस कराची की कोर्ट के अंदर खुला का मुकदमा दायर करेंगे ताकि बच्ची जो है हमेशा के लिए आजाद हो जाए क्योंकि देखिए माइनर्स का जो होता है अंडर एज का जो होता है 18 साल से कम उम्र की बच्ची का जो होता है उसके अंदर तो ये हो जाता है कि वो ये क्राइम है लेकिन ये बच्ची बालक थी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज बड़ी खुदावंद ने जो है मसीह कौम को फतह दी है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब से इल्तिजा है कि अपनी दुआओं में याद रखें और हम उन तमाम चैनल्स का भी जलाल टीवी नेशनल न्यूज का और भी जितने भी जो है और यहाँ के लोग भी जिन्होंने अपनी दुआओं में और पूरी तरह हमें साथ दिया बैकअप दिया हम उनके मशहूर हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें ताकि हम जो है बेहतर लॉयर पे हायर करके हम इस बच्ची के लिए जो है खुला का मुकदमा दायर करें क्योंकि आपको पता है कि हम हब जाते थे कराची से यहाँ से हब जाते थे इसकी इसकी पैरवी करने के लिए और खुदा ने उस मेहनत को जो है रंग लाए और इस माँ बाप की जो है मैं कहता हूँ कि माँ बाप एक मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटे और मसीह खुदावन की वो बात जो है कि आपने कह रहे भटकी हुई भेड़ों को दोबारा भेड़ खाने में लाओ। तो आज हमने समझता हूँ कि आज भेड़ खाने के अंदर भेड़ दोबारा आ गई है। तो याद रखे ये माँ बाप की बड़ी मेहनत है और ये माँ जो है हम जब इनसे मिलते थे रोती थी और बाप भी रोता था चलते थे और कोर्ट के अंदर तन तनहा हमारे साथ खड़े होते थे घबराते नहीं थे। और मैं तमाम मसीह युवाओं से अपील करता हूं अगर आपकी बेटी कभी गलती कर जाए तो उसको कोसते ना रहे बल्कि उसका पीछा करें उसके साथ खड़े हो जाए और उसको वापस भेड़खाना में लाए बच्चियों को कोसा ना करें बल्कि बच्चियों के साथ खड़े हो जाए। बाद दफा जालम ब्लैकमेलिंग करके भी खौफ डाल के भी करते हैं कि यार तुम्हें मार दे मैं उन बच्चियों से भी दरखास्त करूंगा कि जो बच्चियों भटक गई हैं और उनको भी डराया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दिया जाएगा फला कर दिया जाएगा अगर आप वापस गए। आप ना डरे ये कुछ नहीं कर सकते आप मसीह यसू का नाम लेकर दलेर हो जाए आपके माँ बाप को कुछ नहीं होगा आप वापस अपने माँ बाप के पास आ जाए। अगर आपके साथ किसी तरह से भी आपसे गलती कुताई हुई है तो आप वापस आ जाए क्योंकि याद रखें माँ बाप हमेशा अपने औलाद के लिए जो है हाथ उठाए खड़े रहते हैं। तो आप अपने माँ बाप पे एतमाद करें घबराए मत और उन जालिमों ने जिन्होंने आपसे अगवा किया हो या आपको गुमराह किया हो उनके खौफ में ना आए उनकी बातों में ना आए बल्कि दलेर हो जाएं क्योंकि आप मसीह खुदा की बेटी हैं। जब मसीह इतना दलेर है तो उसकी बेटियां कैसे दलेर ना होंगी। गलती गुनाह हो जाते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं लेकिन वापस फिर आ जाना जब तौबा करके वापस उस गुनाह से आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। आपके फिर इल्तिजा करता हूं कि अपनी दुआ में याद रखें ताकि हम खुला के अंदर भी जो है इस केस के अंदर सुरखरू हो सके और बच्ची जो है अपनी आजाद जिंदगी बसर कर सके। खुदावंद आप सबके साथ हो।